पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर अगर आपने बोल दिया कामदेव का यह मंत्र, ये कामदेव का शावर मंत्र, तो कोई भी स्त्री पुरुष आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। यह इतना पावरफुल वैपरचन टोटका है कि हर स्त्री पुरुष के तन मन और दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही कामना रहेगी, आपको पाने की ही कामना रहेगी। आपको, आपके प्रति आपके साथ लगाव इतना पैदा हो जाएगा कि वे एक पल पल आपके बिना मुश्किल से काटेंगे। ये इतना पावरफुल और चमत्कारी टोटका है। मैं कामदेव के शावर मंत्र का बारे में बताने जा रहा हूँ। शावर मंत्र वो मंत्र होते हैं जिन्हें अभिमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप में अभिमंत्रित होते हैं और ये काफ़ी प्रचंड व प्रबल होते हैं। तो दोस्तों, विधि की ओर बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके में मंत्र बता पाएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जिनके जीवन में बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं। आपको करना क्या, आपको लगातार 3 दिन इस प्रयोग को करना है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। सोमवार से शुरू करना है, बुधवार तक आपको इस कार्य को करना है। आपको लाल सिंदूर लेना है, लाल सिंदूर, सिर्फ और सिर्फ लाल सिंदूर। रात्रि में 9 बजे के बाद करें, एकांत में चले जाएं कमरे में, पीले रंग का आसन लगाकर बैठिए। आपको एक साड़ी नुमा सारी वस्त्र उतार देने हैं, एक साड़ी नुमा चद्दर आपने बदन पर लपेट लेनी है। लपेट लेने के बाद आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और चाहें तो सामने एक दीपक जला सकते हैं। इसे सिंदूर को अपने पूरे बदन पर, वह साड़ी उतार दें और पूरे बदन पर लगा दें। पूरे बदन पर लगा देने के बाद सावधान की विश्राम की अवस्था में बैठ के, साधना की अवस्था में बैठ के इस तरीके से हाथ कर कर पहले, उससे पहले एक मुट्ठी सिंदूर की ओर भरें, अपने सर के ऊपर से 11 बार घुमाते हुए उस इंसान का 11 बार नाम लें और इसे सामने रख दें और इस तरीके से बैठ कर शावर मंत्र का उस इंसान के बारे में 2 मिनट उसका चेहरा याद करें। चेहरा याद करके उसके बाद इस मंत्र का 51 बार जाप करें। जाप कर देने के बाद आप बचे हुए सिंदूर को एक साइड में रख दें और आप स्नान कर लें। ऐसा आपको लगातार 3 दिन करना है और बाद में बचे हुए सिंदूर को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और उस इंसान के बाद आप सामने जाएं। वह तन मन दिल दिमाग से आपका हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह खुद आपके पास चल कर आएगा। ये इतना प्रचंड व प्रभावशाली टोटका है, लेकिन बहुत ज़्यादा अक्षमता होने पर आप इस प्रयोग को करें, अन्यथा ना करें। पुरुष है या स्त्री है, श्राम मास अंडे आदि का सेवन करके कदाचित इस प्रयोग को न करें। अगर महिलाओं की मानसिक धर्म चल रहे हैं तो आप इस कार्य से दूर रहें। इस कार्य के दौरान 3 दिन के दौरान आपको किसी से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने, इस बात का ज्यादा है। इसके अलावा अगर आपकी जीवन में कोई समस्या और आपको उचित समाधान पा जाते हैं तो आप मुझे कॉल भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया। इसी के साथ आपसे जय चाहूँगा, धन्यवाद।